मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई रियासत को उदय भाव है। ये रियासत के महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और ये रियासत की कार्यकारी हैं इमरती देवी, जो पार्टी से सरकार से ऊपर उठ के सब कछु मानती हैं। तो बस ज्योतिरादित्य सिंधिया को और ये रियासत को नाम है डबरा रियासत। आप सोचो कि अचानक से लोकतंत्र में रियासत की बात कितने से होने लगी। सो हम आपको एक बार फिर से बता रहे कि इमरती देवी डबरा के कई सारे पार्षदों को लेकर पहुंची हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दिल्ली दरबार में, और कांग्रेस निर्दलीय समेत भाजपा के पार्षदों को लेकर उनने मुलाकात कराई है ज्योतिरादित्य सिंधिया के संगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री इमरती देवी डबरा के 15 पार्षदों को लेकर दिल्ली पहुंची और ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात कराई। इन पार्षदों में भाजपा के संग कांग्रेस और निर्दलीय भी मौजूद हते, लेकिन सबसे बड़ो सवाल जो ही कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के हालात कब से बनने लगे कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को दरकिनार करके पार्षदों की मुलाकात करवाई जा रही है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से। दरअसल इमरती देवी डबरा में लगातार अपनों प्रभुत्व बढ़ा रही हैं। पंचायत के सदस्यों की भी उनने मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया से करवाई थी और वे सबसे ज़्यादा चुनौती दे रही हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। काय के डबरा इलाका नरोत्तम मिश्रा को गढ़ माने जात। पहले भी इतने से चुनाव लड़ते, इनके बाद भी दतिया से चुनाव लड़न लगे, लेकिन इनके बाद भी डबरा की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा को प्रभुत्व और दखल दो ही बड़ो रखतो। लेकिन अब पंचायत के बाद नगरी निकाय के चुनाव में भी इमरती देवी डंके की चोट पे अपनी पार्टी के आला कमान खो, अपनी पार्टी के नेतृत्व खो और नरोत्तम मिश्रा खो चुनौती देत नजर आ रही। वे सब कछु तय करवा रही हैं महाराज की मर्जी से, यानी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सब कछु हैं उनके लाने, पार्टी भी, नेता भी और नेतृत्व भी। अब देखने जो ही है कि भारतीय जनता पार्टी जो संगठन आधारित पार्टी मानी जाती देश में, वह इमरती देवी की इन रणनीति पे कितने दिनों तक चुप्पी साधे रख। प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र CBSE स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त।